गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है 15 दिसंबर और ये साल बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कभी भी ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये प्लान है कि आज मैं शायद जा रही हूँ मम्मी के साथ लाजपत नगर मार्केट, क्योंकि मेरे को लेकर आना है अपने लिए गोल्ड का ब्रेसलेट। मैंने काफ़ी टाइम से अपने लिए पैसे इकट्ठे करे थे ताकि मैं अपने लिए कुछ गोल्ड का लेके आ सकूँ, एंड फाइनली वो डे आ चुका है। अब देखते हैं आज जाना हो पाता है या नहीं हो पाता, किस्मत है आज की या नहीं है ये तो पता लगेगा बाद में। पी के फटाफट से भागूंगी मैं पहले जिम, फिर आऊंगी घर। 2-3 कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आप डाइट कर रहे हो और आपने काफी फर्क आया है, चेंजेस आया है वीडियो देख के। तो आपने कितना केजीज लूज करा है, क्या डाइट है आपकी, क्या कर रहे हो, क्योंकि आप वैसे भी मतलब वीडियोस में भी खाते हो तब भी ऐसे आप लूज कर रहे हो, तो क्या है इसका राज, क्या है? क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। पिछले महीने या नवंबर में मैंने 3 kgs लूज करा है और अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर में अभी मैंने 1 भी किलो लूज नहीं करा है, 15 दिन हो चुके हैं। 8 white का देखो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और कम हो जाए उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अपनी डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, सब कुछ। टेंशन मत लो, मैं सब बताऊंगी। तो भाई आज मैं बना रही हूँ अपने लिए उत्पम, और ये देखना यार उत्पम का क्या हाल बन गया, क्या बनाया था, क्या हो गया, ये खिचड़ी बन गई उत्पम की, बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से मेरे को। हम तो हो चुके हैं पूरी तरीके से रेडी और अब है बस जाने की तैयारी। जो बोला था 3:15 बजे निकलेंगे, 3:15 बजे ही निकल रहे हैं। कन्नू भी हमारे साथ जा रहे हैं, पहले तो था कि मम्मी और मैं जाएंगे, बट मैंने कहा कन्नू को भी लेके चलते हैं, क्या करेगा घर पे, तो अब जाते हैं फटाफट। तो भाई हम तो निकल पड़े हैं लाजपत नगर। तो मैं आ चुकी हूँ धीर सन्स जो है लाजपत नगर में। ये बढ़िया शॉप लगती है मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ से कर ली है मैंने अपनी शॉपिंग विद कॉफ़ी। यार बहुत भीड़ है आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है लाजपत में। तो यहाँ पे हमने ली है सॉफ्टी ब्राउनी, ये बहुत जगह ना ये वाली वायरल है लाजपत नगर की, और बहुत बढ़िया थी यार ये टेस्ट में, नो डाउट। तो मम्मी और मैंने तो ले लिया अपने लिए राम लड्डू। चलो अब हम जा रहे हैं अपने घर बहुत देर के बाद। ये मैंने वहाँ से लिया लाजपत नगर से, और बहुत ही ज़्यादा जाम हो रहा है, हद से ज़्यादा जाम हो रहा है ना। भाई साहब मेरे को 2 घंटे लग गए यहाँ तक आने में, 2 घंटे तक मैं जाम में फंसी रही। तो जब हम घर आए रात को लाइक 8 बजे, तो पापा ने खाना बना के रखा हुआ था। ये स्पेशल राजस्थानी डिश है, ये प्याज की सब्जी होती है और बहुत बढ़िया होती है। भाई मैं तो आ गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था हद से ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या दिया है। दिया है अपने लिए ये गोल्ड का ब्रेसलेट, और ये लिया है मैंने अपने लिए गोल्ड की रिंग। मेरी पॉकेट मनी काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ें ले ली। भाई आज है 16 दिसंबर और मैं आ चुकी हूँ जिम से, अभी अभी जस्ट वापस आई हूँ, अब वापस तैयार होंगी क्लास पे जाने के लिए। कल का दिन तो यार बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, कल इतना जाम था, हमको लाजपत नगर से मान लो घर आने में 2 घंटे लगे, इतना ट्रैफिक। बहुत बड़ी हमने गलती कर दी, हम ऑटो से आए, हमको मेट्रो से आना चाहिए था, बट तब हमने दिमाग इतना नहीं लगाया। लिफ्ट में बड़ा डर लगता है मेरे को, बीच में रुक ना जाए। नो अभी नहाने जा रहा था और मम्मी ने ना उसको ज़बरदस्ती मुंह पे लगा दिया घी, घी लगाने से ना फेस पे जो ड्राइनेस होती है ना वो हट जाती है सर्दियों में, और इतना ज़्यादा रो रहा था ये, इतना ज़्यादा पूछो मत। कन्नू इधर आ। तो आपको पता है कल मैं गई थी लाजपत नगर, तो वहाँ पे ना मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई थी, बट मैं ना ले नहीं रही थी जानबूझ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लेट हो चुका था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था और शॉपिंग करने का, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने ना ये ले लिया था वहाँ से, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे भैया के पास, बट मुझे ना यही अच्छा लगा। ऐसा कोई भी कलर का मेरे पास कपड़े या फिर कुछ भी नहीं है, बट मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा। यही है बाहर, आज हमारा प्लान है कि हम आज घर पे बनाएंगे फिश। और अब आपको लग रहा होगा मेरे को फिश कितनी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं कितना ज़्यादा फिश क्वांटिटी में खाने लग गई हूँ, वैसे मेरे डाइट में भी काम आता है और मेरे को पसंद भी है। तो अभी गई है मम्मी लेकर आएगी और शाम को हम खाएंगे फिश के पकौड़े, अब देखते हैं हमसे बन पाता है या नहीं बन पाता। तो यहाँ आ गई हमारी फिश और अभी हो रही है ये मैरिनेट। हमारी बन रही है फिश, स्टार्ट हो चुकी है प्रेपरेशन और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हो चुकी है 17 दिसंबर और कल मम्मी ने फिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाई थी, मतलब पागल हो गए थे हम लोग खा के, और इस चक्कर में ना ओवर ईटिंग भी हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी, हमने फर्स्ट टाइम बनाई है घर में फिश। आज है संडे और मैं लेट उठी हूँ 1 बजे और बस यही है, देखते हैं आज क्या करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। संडे मैंने सोचा था आज बाहर जाऊंगी मम्मी के साथ एक थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, भाई संडे तो ऐसा आदत भरा हुआ है, मम्मी भी आज सोई पड़ी है, मैं भी लेटी पड़ी हूँ कम्बल में, पता नहीं क्या हो रहा है। 4 बज रहे हैं अभी, 6 बजे तक की अगर कोई जाने का होगा तो होगा। यार संडे को ऐसा क्या हो जाता है, कितना आलस हो जाता है शरीर में यार, बहुत गलत बात है ये।
प्रणव, यस। कल कैसी बनी थी फिश बताओ जल्दी। बहुत ज्यादा अच्छी बनी। कितनी पसंद आई? बहुत। कल तो कितनी सारी खा ली ना हमने फिश, मजा आ गया है ना। ऐसी खाई अभी भी ऑयल हो थोड़ा। अब अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा ना, क्योंकि कल थोड़ा सा ना ज्यादा ऑयली हो गया फूड, इसलिए अभी थोड़ा सा मैं एकदम अलग सी फीलिंग आ रही है ना। अगली बार से टिक्का बनाएंगे। सही प्लान था मम्मी और मेरा आज मार्केट जाने का, बट वो प्लान पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था आज। और अब मम्मी पापा चले गए हैं सब्जियां लेने, तो इसलिए मार्केट जाने का प्लान कैंसिल हो गया। वो फुली कल या परसों बन सकता है जी। तो आज है 18 दिसंबर, यानी कि मंडे, खूनी मंडे वापस आ चुका है। अभी कर रहे हैं मंडे की शुरुआत अपनी ब्लैक कॉफ़ी से, ताकि थोड़ी एनर्जी मिल सके इस मंडे को सहने की। मैं जा रही हूँ फटाफट से जिम, फिर जिम से आते हैं घर। आज काफ़ी काम करना है लैपटॉप पे, मेरे को काफ़ी वर्क करना है आज अपने कोर्स का। आज बहुत बिजी डे होने वाला है। तो ब्रेकफास्ट में है आज मेरे पास 2 बॉइल्ड एग्स एंड 2 मल्टीग्रेन ब्रेड्स। ये रोड देख लो कितने दिन हो गए हैं, ये रोड अब तक बनी ही नहीं है, इतना दिन हो चुके हैं, लाइक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। रोड अब तक बनी नहीं है, टूट पे है तो बहुत दिन तक टूटी रही है ऐसी, इतना ढीला काम हो रहा है ना यार। तोड़ के जाओ मत, अगर तोड़ दो तो फिर जल्दी जल्दी करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। शाम हो चुकी है और हमने स्टार्ट कर दिया है अपना काम जो हमको आज मिला था। और हम लोग बैठे हैं कम्बल में, कन्नो एज यूजुअल फ़ोन में लगा रहे हैं, मम्मी भी आज फोन में लगी हुई है, पता नहीं क्या हो गया सबको। और मैं इतना सारा काम करके 2 घंटे अब जाके ले। हेलो, मैं भी खाना बना के बैठी हूँ अभी जस्ट। आज डिनर में मैंने अपने लिए बनाया है स्क्रैम्बल्ड एग्स, 1 ब्रेड और थोड़ा सा भरता मम्मी ने बनाया था वो। भाई आज का दिन तो हमारा हो चुका है ओवर, आज कुछ था नहीं ज़्यादा करने को, बस आज पूरे दिन काम ही करती रही मैं लैपटॉप पे और कुछ भी नहीं, इसलिए भी टाइम आज बहुत जल्दी निकल गया। मिलते हैं कल के दिन के लिए। ओके गाइस, तो आज हो गई है December 19 और सिर्फ 11 to 12 days रह गए हैं ये साल ख़त्म होने के लिए। मेरा तो प्लान सिर्फ अपने मम्मी पापा और कन्नू के साथ होता है, मैं कहीं बाहर किसी पार्टी में नहीं जाती, मेरे को लोग बुला के थक जाते हैं, पर मैं नहीं जाती हूँ भाई। लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मेरे को अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, चाहे जो मत, चाहे मैं 2 तारीख को कहीं चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो आ गई हूँ जिम और क्लास से घर वापस, बहुत जल्दी जल्दी नहाई धोई क्योंकि मेरे को ट्यूसडे को करनी होती है पूजा, बिल्कुल लेट नहीं हो सकती मैं, वो सब कुछ ट्यूसडे के दिन ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा ठीक लगता है मेरे को। हमारा हो चुका है लंच, आज बनी थी आलू गोभी, और यार मैं ना इसको ना ऑलमोस्ट हर टाइम पहन के रखती हूँ, मेरे को ये बहुत क्यूट लगता है, मुझे बहुत पसंद है इसको पहन के रखना, बड़ा मज़ा आता है। इसी व्लॉग को मैं थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ, यार शाम को अभी 5 बज रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी एंड इसलिए कर रही हूँ कि आज ना काफ़ी काम है और फिर थंबनेल और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे को आज, तो इसलिए चाहती हूँ टाइम से सब कुछ हो जाए क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं होगा इस वजह से। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता है भारत माता, बाय।